तो फाइनली 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 आप लोगों को बताया से चले कि अक्षय कुमार एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन जो कि मिशन रानीगंज को रिलीज कर दिया गया है बॉक्स ऑफिस पर। और वहीं दोस्तों आज जानेंगे कि यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये की ओपनिंग ले रही है और साथ ही साथ मिशन रानीगंज को ऑडियंस कितने अच्छे रिव्यू दे रही है और यह फिल्म को पब्लिक रिव्यू कैसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि पता ही होगा अक्षय कुमार अपनी हर मूवियों में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी कुछ समय से कुछ मूवियाँ जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल और कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्षय कुमार बहुत ही दमदार तरीके से जो कि फिल्म दे रहे हैं बॉलीवुड में। और वहीं दोस्तों जो कि उनकी फिल्में अब जो कि चलने लगी है, आप लोगों को बताइए चले कि मिशन रानीगंज को बहुत ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल रही है और मिशन रानीगंज में वाकई में अक्षय कुमार ने दमदार एक्टिंग करी है और अक्षय कुमार की एक्टिंग का लोहा पूरा बॉलीवुड अब मान रहा है। आप लोगों को बताइए चले कि मिशन रानीगंज जो कि 1989 के जो कि रानीगंज कोल फील्ड के ऊपर बनाई गई है, इस फील्ड को कैसे पतन किया गया है इस पे बनाई गई है यह फिल्म। और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को अक्षय कुमार दमदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार हर अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ नया और कुछ रियल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मिशन रानीगंज जो कि एक पूरी की पूरा रियल स्टोरी है, किस तरीके से 1989 के समय जो कि रानीगंज के कोल्ड फील्ड को जो कि ख़त्म किया गया ये दिखाया गया है। और वहीं दोस्तों इसमें आप लोगों को भरपूर तरीके से जो कि इमोशनल सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म में आप लोगों को अक्षय कुमार तो देखने को मिल ही मिले हैं और वहीं दोस्तों परिणीति चोपड़ा भी इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिली हैं। परिणीति चोपड़ा बहुत ही लंबे समय के बाद बॉलीवुड में नजर आई हैं, लेकिन अक्षय कुमार से बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से ऑफसी किया है उन्होंने जो कि अक्षय कुमार की फिल्म रानीगंज से। और वहीं आप लोगों को बताइए चले कि इसमें आप लोगों को बहुत ही दमदार तरीके से रवि किशन भी एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को बताइए चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है और ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो रही है और ऑडियंस इस फिल्म को अच्छे खासे पब्लिक रिव्यू और साथ ही साथ जोरदार तरीके से इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स भी अच्छे खासे रिव्यू दे रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि मिशन रानीगंज अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से कलेक्शन करते हुए नजर आए रही है और यह फिल्म अपने पहले ही दिन दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है और सारे हेटर्स की बोलती बंद कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मिशन रानीगंज देख लिया तो आप लोगों को यह फिल्म कैसी लगी अक्षय कुमार की, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले।